पुआ यू की विज्ञान कहता है समान ध्रुव एक दूसरे से दूर रहते हैं, मगर एक जैसी सोच वाले एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, करीब आते हैं और दोस्ती करते हैं, और यही वजह है कि दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हाँ, देखो बच्चों, आज हम लोग पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है, पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन मिलता है। एक और बात, पेड़ पौधे हमारी तरह ही होते हैं, उनमें भी जान होती है, इसीलिए हमें इंसानों से ज्यादा पेड़ पौधों का ख्याल रखना चाहिए। Yes! अरे तुम लोगों ने सारा खाना पौधों में डाल दिया, पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्यों किया? मगर आपने ही तो कहा था कि पेड़ बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए हमने सारा खाना डाल दिया। कुछ गलत किया क्या? हे भगवान, तुम लोगों का दिमाग खराब है। सुनो, कल हमारे आश्रम में कुछ लोग हमारी मदद करने आ रहे हैं। तुम लोग एक दिन शांत रहना ताकि हमारे आश्रम का नाम अच्छा हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मास्टर जी, हम वादा करते हैं हमारे आश्रम की बहुत तारीफ होगी, बहुत तारीफ होगी। ताकि हमारे आश्रम का नाम खराब ना हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, आपने ही तो कहा था मास्टर जी कि हमारे आश्रम का बड़ा नाम होना चाहिए। हाँ मास्टर जी, हम वही कर रहे हैं। अरे अरे, हमारे आश्रम का नाम होने का मतलब बोर्ड खड़ा करने के लिए नहीं कहा था। तुम लोग बोर्ड को सीधा करो, चलो नीचे उतरो। अरे बोर्ड को वहीं छोड़कर नीचे आओ, छोड़ दो बोर्ड को। जी मास्टर जी। अरे बाप रे, मर गया। अरे मेरे ऊपर बोर्ड गिरा दिया, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मेरा सिर तोड़ दिया। अरे बाप रे, हे भगवान, अरे मुझे मार डाला, ऊपर से मार रहा है, कोई बचाओ। ऑक्सीजन देना होगा। अरे हट, अरे हट, दूर हट, दूर हट। अरे अरे, मार डालेगा, अरे कोई बचाओ। मास्टर वारा प्रसाद और पप्पू प्रसाद की अकलमंदी से इतना घबरा गए कि उन्हें अनाथ आश्रम से बाहर निकाल दिया। अगर हमारे माता पिता होते तो हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, हमारे साथ बजरंगबली तो है ना? सब हमें क्यों दे रही हो? आज मेरा जन्मदिन है इसलिए। हमने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, अपने जन्मदिन का केक तो दो हमें। तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? अरे ऐसे कैसे, इसके साथ मैं हूँ, मेरे साथ ये है। और अब मैं भी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक गेम सिखाती हूँ। चलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, होते हैं दोस्त जहाँ, खुशियाँ होती हैं वहाँ, आज से हम हैं दोस्त। हरी प्रिया उनकी जिंदगी में एक सुनहरे मौसम की तरह आई। कुछ दिन बाद कुछ खास कारण के कारण उसे दूर जाना पड़ा।
अरे वीरेंद्र वेंकट महेंद्र, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी खिड़की बंद कर लेना, खाना भी ढक के रख देना। कम ऑन अनुष्का प्लीज, यस अनुष्का, कम ऑन अनुष्का प्लीज, आई लव यू अनुष्का, कम ऑन अनुष्का, उठ 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 उठ। क्यों क्या हुआ? अपने घर में आग लगी है, देख जरा। कैसे पता तुझे? आग के बिना धुआं नहीं उठता, साइंस में पढ़ा था मैंने, 5वीं क्लास में 500 बार लिखा था, मैं भूला नहीं, वो देख धुआं। अब हम क्या करें भाई? चल खिड़की से नीचे कूदते हैं, सुबह सुबह इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, चल डोर से निकलते हैं। अरे रुक, चिरंजीवी पिक्चर में आग पे चल के गया था या खिड़की से कूद के गया था? खिड़की से कूद कर गया था, आखिर वो हीरो जो ठहरा सुपरस्टार। जय चिरंजीवी। इतने सालों के बाद भी इन्हें ये नहीं पता कि आग और धुएं में क्या फर्क होता है। जैसे जैसे साल गुजरे, वारा प्रसाद वीपी और पप्पू प्रसाद पीपी बन गया। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम है पीपी, मुख्यमंत्री के साथ मेरी मीटिंग है, क्या आप मुझे पता बता सकती है? मेरा ड्राइवर शहर में नया है ना। क्या राजभवन जाना है? अरे वो तो बहुत आसान है, पहले आप सीधे चले जाइए, फिर लेफ्ट में आपको पीविया सिनेमा हॉल दिखेगा, फिर उसके आजू बाजू देखेंगे तो आपको मिल जाएगा राजभवन। हाँ आप जैसे बकवास करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है, अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। अगर मेरे हस्बैंड ने यहाँ देख लिया ना तो वो भड़क जाएंगे, चलो निकलो। अंधा हो गया तू? दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। जोर से ठोको तो जल्दी आएंगे। मनुष्य, गाड़ी लाने में इतनी देर कैसे हो गई? बोलो ना, बोलो मनुष्य, गाड़ी इतनी देर से क्यों लाए? मैं एक मिनट में आती हूँ। आप शहर से बाहर जा रही है? आप कैसे जानते हैं? नहीं, सामान से अंदाजा लगाया। तो कहाँ जा रही हो? कोड़ाई कैनल। कोड़ाई कैनल? एक कैनल मेरे खेत में है, वो पता है, ये कोड़ाई कैनल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ओह अच्छा, एक बात जानती हो, मैं कोई ड्राइवर वाइवर नहीं हूँ, ये तो बस एक पार्ट टाइम जॉब है। मैं और मेरा दोस्त एक फिल्म बनाना चाहते हैं और फिल्म के लिए 23,660 रुपए बचा लिए हैं, उसमें से चिरंजीवी को हम 3,000 एडवांस देंगे। चिरंजीवी को? पर वो तो फिल्में छोड़कर राजनीति में चले गए हैं। मम्मी मरी गयो। ठीक है, हम चिरंजीवी के साथ फिल्म बनाकर उन्हें स्टार बनाना चाहते थे, उनकी किस्मत। खैर ये बात छोड़ो, क्या तुम मेरा नाम नहीं पूछोगी? मैं हूँ पप्पू प्रसाद, मेरा नाम मुझसे भी बड़ा है ना, इसलिए मुझे लोग कहते हैं पीपी। अच्छा है ना, तुम्हारा नाम क्या है? सीएन ड्राइव। सीएन ड्राइव, वाओ नाइस नेम, क्रिश्चियन हो गया? एक्चुअली वो मेरा नाम नहीं है, मैं कह रही हूँ आगे देखकर ड्राइव कीजिए। मम्मी बचाओ। सही कहा, मुंबई में लोगों को सड़क पर गाड़ी चलाने की तमीज ही नहीं है। तुम टेंशन में हो क्या? फ्लाइट मिस होने का डर है?
आप सही कह रहे हैं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, टेंशन से बचने के लिए तुम गुप्ता जी के बारे में सोचो। मैं तो गुप्ता जी को नहीं जानती, कौन है वो? गुप्ता जी वो महापुरुष हैं जिन्होंने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिया था। जब भी मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ उनके बारे में सोचता हूँ। वीपी अंकल मुझे बाथरूम जाना है, गाड़ी रोकिए ना। वीपी अंकल प्लीज अंकल, बहुत अर्जेंट है। दिखाई नहीं दे रहे, पिछले एक घंटे से ब्रेक फेल है। अंकल प्लीज अंकल, रोकिए ना अंकल, अर्जेंट है अंकल प्लीज। हेलो, प्रिंसिपल राजेश्वरी स्पीकिंग। हाँ? पिछले एक घंटे से स्कूल में बच्चों का वेट कर रही हूँ। पिछले एक घंटे से ब्रेक फेल है, वैन को रोकने के लिए आपसे टकराना होगा। अगर आप नहीं मानी तो मैं स्कूल में घुस जाऊंगा। आप ही बताइए क्या करना है, जल्दी बताइए क्या करना है। तू आ, आ, आ ना तू। हाँ, आ रहा हूं। अरे आ ना तू, कहती हूँ। बच्चों तैयार हो जाओ। यस अंकल। आंटी आज आपका मेकअप ज्यादा हो गया। बताओ कि बच्चे कैसे हैं? एकदम ठीक है। आपके बच्चे? मेरे बच्चे जरा देखिए तो वैन के अंदर कैसे सुरक्षित बैठे हैं। आपको मुझ पर नाज होगा। मैडम, आंटी, आंटी मैडम, आंटी। हेलो, हरिप्रिया स्पीकिंग। हरिप्रिया, आ एयरपोर्ट के पास ही हूँ। हाँ ओके, मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ, ठीक है? ड्राइवर कला मंदिर के पास चलो। ओके मैडम। क्या आपका नाम हरिप्रिया है? हाँ तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? अरे ऐसे कैसे, इसके साथ मैं हूँ, मेरे साथ ये है। चलो आज से हम हैं दो। प्रसाद हरिप्रिया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। ये तो बचपन का प्यार है, मरते दम तक रहेगा। अगर तुम पहचान नहीं पा रही हो तो फ्लैशबैक याद दिला नहीं पड़ेगा। इस कला मंदिर को प्यार का मंदिर बना के रहूंगा। तुम जानती हो मैंने एयरपोर्ट की जगह इस कला मंदिर को क्यों चुना? एयरपोर्ट में सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, इसलिए ना सर। यू आर रॉन्ग। एयरपोर्ट में एंट्री फी है 150 रुपए और यहाँ है बिल्कुल फ्री। ये है KVP, जगह मुंबई। VIP, शू, एक्शन, काम, ओवर एक्शन, सेक्स, पता नहीं, पता चले तो बताइएगा जरूर, प्लीज। माय वाइफ, हेलो। सुनो, तुम बाप बन गए हो। हमें बेटी हुई है। बेटी हुई है? What nonsense you are talking? जानती हो ना हमने पहली रात कहाँ गुजारी थी? मुंबई में। हमें तो बेटा ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो लड़का है। ठीक से चेक करके बताओ मुझे। अरे बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे भरोसे रहती तो बेटी भी नहीं होती। पिछले साल जब तुम दुबई गए थे तो मैंने बहुत मन्नत मांगी थी, तब जाकर हमारी बेटी हुई है। कुछ सुना तुमने? सुनने की जरूरत नहीं है, आपको देख कर ही समझ में आ रहा है। वो वहाँ पर उस सूटकेस को रख देगी और हम उसे तुरंत उठा लेंगे। मगर उसकी कीज? कीज के लिए लड़की से पूछो, और किस के लिए मुझसे? दूं क्या? सॉरी सर। उसने सूटकेस रख दिया। लेट्स गो। यस। आ
हरिप्रिया क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? अरे मूड क्या, पूरा का पूरा दिन खराब गया। मिले हुए लड्डू पानी में गिर गया। कहा था तैरना सीख लेते पर तूने बात नहीं मानी। ये किस गैंग का होगा सर? ये हमारी गैंग के नहीं है तो गोली मार दीजिए। अगर मैंने पीछे से गोली मारी तो उसे कैसे पता चलेगा कि गोली मैंने मारी? कुछ तो कीजिए सर, टेंशन हो रही है। एपी में किसी भी वीपी से मेरे बीपी के बारे में पूछ लेना। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए भेजा है तो तुम मेरा पीछा करो और मैं इनका करता हूँ। टैबलेट्स, कोई ट्रबल? गैस ट्रबल। तू इसे ऐसे काट रहा है मतलब तेरी नौकरी चली गई क्या? थोड़ा मुझे भी दे दे, मुझे भी काटना है। जा। क्या कहा, तुझे भी निकाल दिया? नहीं, मुझसे बचना चाहते थे वो। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, ऐसी दो गुड़िया खरीदेंगे, उसे काटेंगे। तूने मेरी बात सुनी नहीं और कर्ज ले लिया। वैन को डॉग वैन बनाया और नौकरी भी चली गई, कर्जा कैसे चुकाएगा? कर्जा लेकर। वैसे ये सूटकेस किसका है? ये सूटकेस नहीं, मेरा ताजमहल है। और मैं मजनू हूँ, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, कुछ कुछ होता है। बकवास बनकर बताइए सूटकेस किसका है? मैं आज एक परी को कला मंदिर छोड़ने गया था। तुमने उसे स्वर्ग में क्यों नहीं छोड़ा? मुमकिन नहीं, क्योंकि उस लड़के ने कहा वो कोडाईकनाल जाना चाहती है। कोडाईकनाल? यस, जैसे श्रीदेवी एक फिल्म में अपनी अंगूठी भूल गई थी, मेरी जानू भी मेरे लिए अपना सूटकेस भूल गई। कहानी अच्छी है, अगर इस सूटकेस को खोल दिया जाए। नहीं, सूटकेस वो सांप है जिसके दो सिर होते हैं, उसे देखना मत, छूना मत। आप देख रहे हैं टीवी 9, मेरा नाम है चित्रंजन दास। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। टीवी 9 वालों को कैसे पता कि हम लोग टीवी 9 देख रहे हैं? मुझे लगता है कोई हम पर नजर रखे हैं। आप सुन रहे हैं सुपर हिट 93.5 FM। उन्हें ये भी पता चल गया कि हम रेडियो सुन रहे हैं। जरूर कोई हम पर नजर रख रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मम्मी, उसके पास बंदूक है। देखा, तूने कर्जा लिया था ना, ये वसूलने यहाँ तक आ गए। मैंने मॉल से होलसेल प्राइस में अंडरवेयर खरीदे। ये पैसा वसूल करने के लिए हमारी जान तक ले लेंगे, उनके पास बंदूक है। पीछे से भागने का रास्ता है, क्या हम भाग जाएं? हाँ चलो निकलते हैं। यस। देखा मेरे पास कितना स्टैमिना है। दरवाजा बंद ही नहीं था सर। हाँ, दरवाजा बंद नहीं था मतलब हम उन्हें हल्के में ना लें। ध्यान से देखो, लेट्स मूव, कम ऑन। किचन में खाने को कुछ नहीं है, ऐसी ही गंद मेरे घर में भी आती है। किचन कितना गंदा है। भारत के सीमावर्ती इलाके में आतंकवादियों ने एक सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से इस घटना। पागल हो क्या? लगता है मेंटली डिस्टर्ब्ड है। मैं शुरू करता हूँ, और अगर मेरा पहला कदम इतना खतरनाक है तो सोचो कि मेरा आखिरी कदम कितना खतरनाक होगा। मुंबई में तुम अकेले ही हो या सब तुम्हारे जैसे ही हैं? What do you mean? मेरा मतलब है आप पहाड़ भी तोड़ सकते हैं ना? Good, very very good, तुमने सही अंदाजा लगाया। और उन्होंने भी, इसीलिए वो सूटकेस लेकर वहाँ से भाग गए। शाम को दोस्त राजा को भी घर आना पड़ता है, ये भी वैसे ही है। तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? हम कल आकर उन्हें पकड़ लेंगे। लेट्स मूव मूव मूव।
इतने बड़े शहर में हमें एक भी नौकरी नहीं मिली। दो नौकरी चाहिए। इतने बड़े शहर में हमें एक भी नौकरी नहीं मिली। न्यूज चैनल वालों की तरह बार बार क्या बोल रहा है? लगता है मैं भूख के मारे गिर जाऊंगा। थैंक यू बिस्किट के लिए। चूहे मारने की दवा है। किचन में बहुत सारे चूहे हैं, इसलिए सुबह खरीदा था। रख तेरे पास। मुझे खाने के लिए पनीर चाहिए और पीने के लिए शरबत। और बन का क्या? थोड़ा झुक और झुकना, वो तू खा जा। एक तो है बटला और ऊपर से पनीर चाहिए। क्या हुआ तुझे? मुझे लगा मैंने एक लड़की को फंसाया, मगर असल में उसने ही मुझे फंसा लिया। पहले मेरी आंखों में देखा, फिर मेरे कानों में फूल लगाया, फिर मेरा पर्स चुरा लिया। अब खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, टीवी भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? 10 साल पहले तो सेकंड हैंड में खरीदा था, टूट गया है। कितनी बार कहा है, जब सहवाग खेल रहा हो तो टीवी मत चलाया करो। सेकंड हैंड टीवी है, कितने छक्के बर्दाश्त कर पाएगा? देखो टूट गया ना बेचारा वो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? खाने को कुछ नहीं है, अब तो नौकरी भी नहीं है, अब हम क्या करें? टाइम पास करने के लिए एक टीवी था, अब वो भी नहीं है। चारों तरफ अंधेरा है, हम इस शहर में रह क्यों रहे हैं? यहाँ से चले जाएंगे, मुंबई से दूर चले जाएंगे। दूर मतलब कोल्हापुर जाएंगे? नहीं, उससे भी दूर। वैसे पूना भी ठीक है, मगर वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। छी छी छी। तो फिर सॉल्यूशन बताना। जहाँ लड़कियाँ दरवाजे पर नहीं चेहरे पर हल्दी लगाती हैं, जहाँ फ्रिज में रखे बिना ही बियर ठंडी रहती है, जहाँ सिर्फ 2 रुपए में 1 किलो चावल मिलता है, जहाँ इडली के साथ डोसा फ्री मिलता है, जहाँ फूलगोभी बनाया नहीं बल्कि कानों में लगाया जाता है। यस, वो जगह है कोडाईकनाल। अब मैं समझा तू ये सारी बकवास क्यों कर रहा है। तुझे कोडाईकनाल उस लड़की को सूटकेस देने जाना है, और उसके लिए तुम मुझे ड्राइवर बनाना चाहता है। बताना बताना, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? यस यस यस। अब तक हम अकेले थे, लेकिन अब हमें एक साथी चाहिए, और ये और कोई नहीं है बल्कि हमारे जन्मदिन पर केक खिलाने वाली हरिप्रिया है। हरिप्रिया याद होगी, मुझे केवल वो केक याद है। ऐसा मत बोल। बोलूंगा। मैं यही रहूंगा, यही काम करूंगा, मैं यही पैसे कमाकर चिरंजीवी के साथ फिल्म बनाऊंगा, समझ गए? मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, जैसे तुम जीना चाहते हो। बेहतर होगा हम अपने रास्ते निकल जाएं। बहुत बड़ी बात कह दी, आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों की जिंदगी अलग होगी। मैंने सोचा जब हम साथ होते हैं तभी खुश होते हैं, अलग हुए तो अनाथ हो जाएंगे। जिंदगी में पहली बार रो रहा हूं। मुझे अनाथ मत करो प्लीज। hey. मेरे होते हुए तू अनाथ कैसे हो सकता है? नहीं, आज से हम तमिलियंस हैं, ठीक है? हमारे मुख्यमंत्री करुणानिधि हैं और हमारी प्रिय फिल्म एक तमिलियन फिल्म है। सुन, आज मैं रो लेता हूँ, कल परसों तू रो लेना प्लीज। ए भाई, इतना कूद क्यों रहा है तू? हरिप्रिया को पता होना चाहिए मैं भाग दौड़ कर आया हूँ। अच्छा, ये वो कैसे जानेगी? थोड़ी देर में कोडाईकनाल आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा मैं मेहनत करके आया हूँ। रुक रे, अभी हमने शमशाबाद एयरपोर्ट भी क्रॉस नहीं किया, ऐसे ही कूदता रहा तो कर्नूल से पहले मर जाएगा। बैठ जा। एक मस्त होटल पे गाड़ी रुकना, दोनों मिलकर जमकर पार्टी करेंगे। हाँ भाई, मेरा बजट तो बहुत कम है, उसी से हफ्ता चलाना होगा हमें, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? मैंने टीवी बेच दिया। टूटा हुआ टीवी बेच दिया? है। कैसे भाई? ग्राउंड फ्लोर वाले आरपी झुनझुन वाला को, उसको बेच दिया है। लेकिन टीवी तो देखने की चीज है, सुनने की नहीं। मैंने टीवी में रेडियो रखा,
और झिंगुर को बेच दिया। सर सर, मैंने नया टीवी लिया है, मिठाई खाइए। ये वाकई में बहुत बड़ा पागल है। बिल्कुल आप ही के जैसा। सही कहा। आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम, सुनते रहिए सुनाते रहिए। मैंने चालाकी से टीवी बेचा है, ऐसा आइडिया किसी के पास होगा क्या? सही है। अभी हाल ही में मैंने सीरियल में एक सीन देखा था, जैसे तूने टीवी में रेडियो रखकर बेच दिया, वैसे एक आदमी ने फ्रिज में मटका रखकर एक आदमी को बेच दिया। उसने मटका रखकर टूटा फ्रिज बेच दिया। वो भी मेरे जितना शाना निकला। उसके बाद क्या हुआ? जिसे वो फ्रिज बेचा था ना, उस आदमी ने उसका पता लगाया और फिर एक कुल्हाड़ी से बहुत ही भयंकर तरीके से उसकी हत्या कर दी। वो तो अंधा था, उसने इतने टुकड़े कैसे किए? तभी तो इतने सारे टुकड़े किए। डियर गैस, हम कोडाईकनाल जा रहे हैं। हम बिना बोले ही जा रहे हैं। अपने बॉस को सॉरी बोल देना मिस्टर गैस। योर्स लविंगली वीपी एंड पीपी। इन्हें हमारे बॉस के बारे में कैसे पता चला? बॉस को छोड़ो, इन्हें मेरी गैस के प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला? उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है सर, 1 किलोमीटर दूर से भी इसके बारे में पता चल जाता है। बताता हूं। अब हमें क्या करना है? प्लान ए फेल हुआ तो क्या, प्लान बी भी है। प्लान ए वो क्या था? उन्हें पकड़ना। और प्लान बी क्या वो है? वो भी उन्हें पकड़ना ही है। वैसे तो मेरे पास प्लान ए प्लस बी होल स्क्वायर मौजूद है, फॉलो मी। प्लान ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्या है? उन्हें कोडाईकनाल जाने से रोकना। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें बोलो? थैंक यू, मुझे एक रिंग दे दीजिए ना। बोलो मिला क्या रिंग? उनके कहने के मुताबिक मैंने सूटकेस को कला मंदिर में छोड़ दिया था, तो फिर अब वो किडनैपर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन किडनैप हुआ था, अगर उसी दिन पुलिस कंप्लेन कर देते तो इस तरह का प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता जी। पिछली बातों पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। किडनैपर्स की कोई खबर मिली क्या? अब हमें क्या करना चाहिए? अब तुम ही बताओ। ऐसे हालत में मुझे तो लगता है चैरिटी प्रोग्राम को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। नो नो नो, वो कार्यक्रम अनाथों के लिए आयोजित किया जाता है, इसलिए उस कार्यक्रम को हम किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते। ऐसा मत करो, अगर ये फंक्शन करती हो तो तुम्हारा उदास चेहरा देखकर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तो उनको हम क्या जवाब देंगे? मैं इस प्रॉब्लम को 2 दिन में हल कर दूंगा। Scream when we holler. If you're hearing me, feeling me, holler. If you're smoking my cool, when you holler, then the rest of my people's will follow. Bounce when we jump when we scream when we holler. If you're hearing me, feeling me, holler. If you're smoking my cool, when you holler, then the rest of my people's will follow. Bounce. Suitcase. I love you. I love you so much. जले हुए अंडे, बस बात हुआ। अब छोड़ 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 छोड़। Yeah!
थैंक्स। देखिए कितना बड़ा है। तेरी फाइटिंग के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। आंख लग गई थी क्या? थोड़ा आगे रुकना, रिलैक्स होना है मुझे। सोते सोते थक गया हूं ना मैं। ये है जिंदगी, ठंडी बियर और पास वाले कमरे में लड़की। और जिंदगी में क्या चाहिए, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जो प्यार की दुनिया में होते हैं उनके लिए ये सब बेकार बातें हैं। आई मीन लव, प्यार इससे कई गुना मीठा है। मुझे भी कुछ साल पहले ऐसा ही लगता था भाई, और फिर अंजलि ने तेरा दिल तोड़ दिया। अंजलि? उसका नाम कैसे पता रे? मतलब तू कभी कभी अंजलि के बारे में बातें करता है ना, वो 1940 लव स्टोरी सुना ना। लड़के का नाम प्रसाद और लड़की का नाम अंजलि, दोनों की आंखें और दिल मिल गए। वो रात को और करीब आए और फिर वो शादी करना चाहते थे, और तभी इस प्रेम कहानी में एक ट्रेजेडी हो गई। एक आदमी ने अंजलि को फोन करके कहा कि उसे और प्रसाद को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों है, तो कहता है कि प्रसाद और वो सब कुछ आधा आधा बांट लेते हैं। बस उसी दिन अंजलि मुझे छोड़कर चली गई। तुझे पता चला कि वो फोन किसने किया था? नहीं रे पगले, दो में से एक ही कुड़ाई कनाल जाता। मतलब हम में से कोई एक जेल में होता ना। ऐसा क्या? ए, लॉज चलोगे क्या मेरे साथ? हाँ? सुनो, जाकर उससे पूछो, वो लॉज में जाने के लिए कहता है या गाड़ी में सोने के लिए कहता है, मुझे क्या पता, मैं डिसाइड नहीं कर सकती। गो 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 एंड आस्क हिम। दिस इज केवीपी फ्रॉम कंडेपी। एनी न्यूज़? मगध हीरा ने तेलुगु सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ए, शेर के साथ शिकार चाहते हो? केवीपी के साथ मजाक तुमने शुरू किया, लेकिन अब इसे खत्म मैं ही करूंगा। पुअर फेलो, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। के वीपी फ्रॉम मुंबई, मैं पीसीओ से कॉल कर रहा हूँ। हर बार बकवास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनकमिंग फ्री है तो ज्यादा बकवास मत करो। अरे टकले, ये बता तू वहाँ क्या कर रहा है? मैं उनके साथ लंच करने जा रहा हूँ, उसके बाद दही में शक्कर डालकर मीठी लस्सी बनाकर पी लेना तुम। बिल्कुल सही कहा, मीठा करने के लिए मैं दही में सिर्फ शक्कर ही मिलाता हूँ, और वो लोग दही में चूहे की दवा भी मिलाते हैं। That's my plan. ठीक है, मगर एक बात याद रखो, तुम सूटकेस के बिना कोडाई कनाल बिल्कुल मत आना, बाकी जो चाहे कर सकते हो। तुम नहीं जानते तुमने किसे चुना, अगर आपको ये गाना सुनना है तो एक दबाइए। ये गाना सुनने के लिए स्पेस दीजिए और उसके बाद स्टार दबाइए, फिर स्पेस दीजिए, फिर हैश दबाइए, फिर 1-2-3 दबाइए। ये सब क्या सुन रहे हो? फोन नीचे रखो। सिक्स पैक, कम हियर। जी बोलिए सर। तुमने ही केवीपी के डील के बारे में बताया था ना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अरे वो इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है? अगर उसने ये बर्गर खा लिया तो उसके अंदर का पूरा सब कुछ जल जाएगा। हाय बॉयज, आई एम बैक।
बॉयज, तुम लोग आखिर कोडाई कनाल क्यों जा रहे हो? पहले बर्गर खा लो, उसके बाद बताएंगे। कोई मौज मस्ती? जालिम, जालिम लोशन। मतलब मेरा दोस्त प्यार में पागल है, हम कोडाई कनाल उसकी दवाई के लिए जा रहे हैं। अब बर्गर खाइए ना। स्किन एलर्जी ना, लव एलर्जी। बर्गर खाइए ना। तुम लोग कोडाई कनाल में कितने दिन रुकने वाले हो? पूरी जिंदगी। पहले बर्गर खा लो। तुम्हारा लगेज कहाँ है? बस एक सूटकेस। देखिए कोंडेपी, ये सूटकेस हमारा नहीं है, एक लड़की इसे कला मंदिर में भूल गई थी, हम उसे लौटाने जा रहे। बर्गर खाइए ना। मतलब तुम्हें पता नहीं कि वो लड़की कौन है? Poor fellows. क्यों साहब, कैसी लगी हमारी ट्रीट? गंडा मिर्च खाने में कैसी लगी? आप ठीक तो है ना? ये बस एक जोक था। मुझे अल्सर है। अल्सर? अल्सर मतलब? अल्सर मतलब गैस हो गई, पेट में जलन। जलन? फायर स्टेशन में फोन करो जल्दी। तुम लोग जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं क्या करना है। शंकर दादा एमबीबीएस हमारे क्लास में था। अच्छा अच्छा, डॉक्टर को जानते हैं। चल चलो, मैं जानता हूँ क्या करना है। इनके पैर उठाओ। क्या कर रहे हो? अरे इसने तो डायपर पहना है। मारो, सब कुछ बाहर आ जाएगा। मारो मारो। एक काम करते हैं, इसे ऑक्सीजन देते हैं। अरे जीजी, ये क्या कर रहा है यार? मेरे कोट से टैबलेट निकालो, प्लीज सेव मी। अल्सर का टैबलेट। अरे कंजूस, दो ही क्यों दे रहा है? पूरी बॉटल मुंह में डाल दे। थैंक्स। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे टकले की कसम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। ओके पॉइजन, तुमने मुझे चूहे मारने की दवा खिला दी। अगर समय खराब हो तो एक अंडरवियर भी आपकी जान ले सकती है। थैंक्स बोलने से पहले ही खत्म हो गए। वेटर, बिल प्लीज। तू इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमने उन्हें लिफ्ट ऑफर की, खाने के लिए बर्गर भी दिया, टैबलेट्स भी दे दी उन्हें। वो मरने से पहले हमें कैसे देख रहा था? जैसे हमने उसे जहर दे दिया हो। उसमें यकीन नहीं था। छोड़ना, भगवान उसका हिसाब कर लेगा। हिसाब तो कर दिया ना। केवीपी फ्रॉम कोंडेपी, कोई बेवकूफ लगता है। मर गया क्या? नहीं, वो कोमा में है सर। ये सब हुआ कैसे? फूड पॉइजन हुआ है लगता है। उसकी बॉडी के पास ये रैट पॉइजन की बोतल मिली है। उसके साथ ही दो और लोग भी थे सर, उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन हमारे आने से पहले वो चले गए। तुमने ट्रेस किया वो लोग कहाँ गए? एक डॉग वैन कोडाई कनाल की तरफ जा रहा है सर। कोडाई कनाल के सारे चेक पोस्ट में खबर कर दो। यस सर। ए रुको रुको रुको, ये एक सीक्रेट जगह है। तुम सिर्फ मीटर देखो, टैंक मैं भरता हूँ। खाली करने और भरने के लिए बाएं से उठाना पड़ता है इसे। हेलो दोनों भाई, जाना है जाना है। मेरे भाई जाना है। बिल्कुल सही है, सही बात है। लेफ्ट लेकर राइट जाना। ये बताने में इतना टाइम लगा दिया? दो मिनट में आता हूँ। दो मिनट में घर जाने वाला था ना, दो दिन तक नहीं जा पाएगा गधा कहीं का। हाय, लगता है मैंने
कहीं देखा है। मुंबई में? हाँ मुंबई में। तुम्हारा नाम क्या है? मैं बारा प्रसाद। ओ तुम मेरा नाम नहीं पूछोगे? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ हंसिनी। अच्छा है ना? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुमसे बस 2 साल कम और 3 साल ज्यादा। फिर तुमने ये शर्ट क्यों पहनी है? क्यों? बेकार है, एज डिफरेंट का पता चलता है। ऑलराइट राइट। ए पेट्रोल गिर रहा है। अच्छा सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? सिद्धू के घर जा रही हूँ। सिद्धू? वो कौन है भाई? मैं उसे मुंबई के एक मंदिर में मिली थी। उसने मुझसे कहा कि कभी हम कॉफी पे मिलते हैं। फिर हम दोनों मिले और हमने साथ में कॉफी पी। एक मिनट। कुछ सुना तुमने? मंगलवार को सिद्धू यहाँ आया और उसने मुझसे बोला कि मैं उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हूँ। सिद्धू ने कहा कि वो मुझे अपने सारे परिवार से मिलाएगा, इसलिए मैं कोडाईकनाल जा रही हूँ। कोडाईकनाल? हाँ। हम भी वहीं पर जा रहे हैं। हंसिनी, क्या हम भी बैठकर एक कप कॉफी पी सकते हैं? मुझे कॉल करना। नंबर तो दो। रिंगा रोजेस, रिंगा रिंगा रोजेस, रिंगा 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 रियो रोजेस। हाँ, 9292344569292। अरे नहीं, पुराना नंबर है, नया है 9292346878926। अरे नहीं नहीं, ये तो डैडी का नंबर है। 98। चुप रहो, नंबर दो मुझे। स्टूपिड, मेरा सिद्धू कितना अच्छा है। हमने थोड़ी देर बात की मगर उसने मुझे कभी नहीं डांटा। मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया यार। क्या यार, कोई नई बात हो तो सुना। नई न्यूज? मैंने सारे पैसे पेट्रोल पर खर्च कर दिए हैं, अब आगे तू ड्राइव करेगा। मैं थक गया हूं। ओके। स्टीयरिंग पर होता है तो ब्रेक तक नहीं पहुंच पाता, इसे हरिप्रिया चाहिए। अरे ये प्यार है पगले। वो नहीं मिला सर, अभी तक नहीं मिला। उन लोगों को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तुम सब अलर्ट रहना, उस डॉग वैन का पता लगाना ही होगा। कोड़ाई कैनाल जाने के लिए हर गाड़ी को इस चेक पोस्ट से गुजरना होता है। किसी भी कीमत पर हम लोग उस डॉग वैन को पकड़ लेंगे। मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं। ओके सर। तूने मेरी वजह से रिस्क उठाया, तेरी वजह से मैं हरिप्रिया को मिल रहा हूं। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू पीपी। थैंक यू। थोड़ी ही देर में हरिप्रिया से मिलने की खुशी में पीपी अपना रास्ता भटक गया। बहुत जल्दी उठ गया तू। हम कहाँ पर पहुंच गए? बस कोडाई कैनाल आने वाला है। कितनी देर से ड्राइव कर रहा है? अरे मैं तो सोया ही नहीं, नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर रहा हूँ। ये देख पगले, रात भर गाड़ी चलाई होती तो कोडाई कैनाल क्या कन्याकुमारी पहुँच गए होते। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, पता नहीं था तो गाड़ी रोककर किसी से रास्ता पूछ लिया होता। तुझे जगा कर मैं पूछ रहा था। चुप रहे अब। क्या हुआ अब? पेट्रोल खत्म। दुर्घटना होने के बाद सावधानी बरतने का क्या फायदा? कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता। मुझे कोई सपना आया था कि हम गलत रास्ते पर हैं,
तुझे क्या इतना बुरा लग गया कि तू वहाँ बैठा है? बस अब ओवर एक्टिंग बंद कर, तू वैन में आके बैठ जा, हम कुछ ही देर में कोडाईकनाल पहुँच जाएंगे। कोडाईकनाल का नाम दोबारा लिया तो तुझे मार डालूंगा मैं। पागलों की तरह रात भर गाड़ी चलाकर इतनी दूर लेकर आया, 1000 किलोमीटर दूर। कोडाईकनाल जाने के लिए भी पैसा नहीं है, मुंबई जाने के लिए भी पैसा नहीं है, ना खाने के लिए कुछ है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। हरिप्रिया से मिलने की राह में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें ये सब भूलकर कोडाईकनाल पहुंचने के बारे में सोचना चाहिए, और तू गधे की तरह रो रहा है। हाँ मैं गधा हूं, तभी तो तेरे साथ दोस्ती की है, तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए इतनी दूर आ गया हूं मैं, यही मेरी बेवकूफी है। बचपन से तेरी वजह से इतनी मुसीबतों का सामना किया है मैंने, और तू मुझे गधा कह रहे। हमारी दोस्ती खत्म, दोनों का रास्ता अलग। हम कोई प्रेमी नहीं जो अलग हो जाए, हम दोनों दोस्त हैं, जिगरी दोस्त। दोस्त है ना, तो तू मेरे साथ चलेगा मुंबई? तेरे लिए दोस्ती का कोई मोल नहीं है, जा रहे तू? यार तू कहाँ जा रहा है? मुंबई जा रहा हूँ, वो भी पैदल। दोस्ती में गलतियों को माफ किया जाता है, क्या तुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई? ठीक है तू जा, जितनी दूर जा सकता है जा। इरादा बदल के कोडाईकनाल आना चाहता है? एक सीट खाली है। ये सब कहां से है? प्लान बनाया और वैन बेच दी। मुझे सड़क पर एक पागल मिल गया, मैंने उससे कहा वैन ले ले, बाइक दे दे। वो खुश हो गया, उसने मुझे 1116 रुपए भी दिए। बेवकूफ पागल। अब मेरे पास ये बाइक है, कैश है, पीछे एक जगह भी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है अब। जब तक पीपी तेरे साथ है ये सब कुछ तेरा है। जब भी मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में तुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है, तो तू कुछ ऐसा अकलमंदी का काम करके मेरा दिल जीत लेगा। मैं गंजी बंजी और मेगा सरंजी को जानता हूँ, मगर तू दोस्ती निभाना जानता है पीपी। हे पीपी, ये तो बैंगलोर का रास्ता है, यू टर्न ले, कोडाईकनाल चलते हैं। रुक रुक रुक, मेरा ताजमहल गिर गया। आ रहा हूं ताजमहल। तू अच्छा दौड़ता है रे, ऐसे ही दौड़ते दौड़ते कोडाईकनाल आ जा। इतना तेज मत दौड़, मुझे पेडल चलाना में समय लग रहा है। स्लो आ जा, स्लो आ जा, स्लो आ जा। अच्छा अरे ये क्या है, कोडाईकनाल आ गया। हेलो, हम मुंबई से हैं, हाउ आर यू सर? फाइन 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 फाइन। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, ये रख लीजिए प्लीज। चलो चलो। मैंने जैसे ही कहा कि हम मुंबई से, उन्होंने 100 रुपए ले ली। अगर मैं कहता कि मैं पूना से हूं तो कितने ले लेते? अब हमारे पास सिर्फ 16 रुपए बचे हैं, अब हमें एकदम से तमिलियन बन के रहना होगा। गुड आइडिया। वैसे वो हरिप्रिया रहती कहां है? मेरे दिल में। मतलब उसका पता क्या है? हमें यही तो पता करना है। अरे कम से कम फोन नंबर तो होगा ना। नंबर होता तो ये क्यों करता, इसकी जरूरत ही क्या थी? अरे अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक स्कीम है। हाँ, मैं 3 लोगों से हरिप्रिया का पता पूछूंगा, वो 3 और 3 से पूछेंगे। स्टालिन स्कीम? नहीं नहीं, टेलीफोन डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ, वो रहा टेलीफोन बूथ। वाह सुपर, आ जाओ। इसमें हरिप्रिया नाम जरूर होगा। 10 9 8 7 6 5 4। मिला क्या?
मिल गया हरिप्रिया का नंबर। यस यस यस। जिंगिचकिन जिंगिचकिन। एक रुपया डाला। हेलो हरिप्रिया। हाँ बोलो। हरिप्रिया मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पीपी। हाँ बोलो ना। मुझे पहचान लिया? कौन हो? याद है मुंबई गाड़ी कला मंदिर मैंने ड्रॉप किया था। ऐसा है क्या? उसने पहचान लिया। और पूछना। हरिप्रिया तुम मुंबई क्या भूल गई थी, बताओ बताओ। ए सुन, मैं हरिप्रिया ही बोल रही हूँ। मुंबई की कोई भी बातें मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, समझे? अगर तू वाकई में जानता है कि मैंने क्या खोया है तो तू वही है जिसने मेरा रेप किया था। मैं तुझे नहीं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी, समझा? काट डालूंगी तुझे, काट डालूंगी। हाँ। तो उसने उसके घर का पता बताया, चले उसके पास। वो हरिप्रिया नहीं थी। क्या हुआ, 15 रुपए तो बर्बाद किए। एक और नंबर ट्राई करता हूँ। नहीं रे, ऐसे काम नहीं होगा। जब तक उसका सरनेम के बगैर नंबर कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? हे, उस पेटी में देखे क्या? हाँ? VIP, VIP हरिप्रिया। यहाँ तो एक भी VIP हरिप्रिया नहीं है। छोड़ रे, 1016 से 1 रुपया बच गया है अब। ये भाई साहब, ये केला कितने का दिया? 2 रुपए का। 1 रुपए का देना। खाली छिलका देगा। ये छिलका और ये 1 रुपया। हमारे गांव में संक्रांति में आग जलाते हैं और यहाँ तो रोज जलाते हैं। सही है। मैं अब और नहीं सह सकता, ठंड भी लग रही है और भूख भी लग रही है। सुबह तक तो हम मर जाएंगे ऐसे। यहाँ तो काफी गर्मी है फिर भी तुझे ठंड लग रही है। 1 मिनट रुक, ये ले पहन ले। एक्स्ट्रा ग्लव्स है? अरे एक्स्ट्रा स्वेटर भी है। 1, 2, 3। मैं इस ठंड में इतनी दूर तेरे साथ आया हूँ और तू इतने सारे स्वेटर पहन कर खड़ा है? कोडाई के नल बिना स्वेटर के नहीं आना चाहिए, ठंड में अकड़ जाओगे। हाँ। तुझे मार मार कर तेरे बदन में आग जला दूंगा। सीरियस डायलॉग सीरियसली बोला कर, तेरी शकल देख के हंसी आ रही है। तू रुक रे, तुझे बताता हूँ। बहुत ही अच्छा खेल है, थोड़ी देर और खेलते हैं प्लीज। मैं तेरे साथ ये दोस्ती का खेल खेल कर थक गया हूँ। इस सूटकेस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। जब तक इसे फेंक नहीं देता, मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये मेरा ताजमहल है, प्लीज। नहीं नहीं, क्या कर रहा है तू? ताजमहल बकवास, छोड़ दे। नहीं छोड़, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? अरे सुन मेरी बात, देख इतने सारे पैसे। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, बालू सन ऑफ कालू, आपकी सेवा में। ए, ये सब छोड़ो, इलियाना के साथ जाओ। टेक इट। थैंक यू सर। कीप इट। थैंक यू। टेक इट। थैंक यू सर। टेक इट। बड़ी पार्टी लगती है। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ सबसे महंगा कमरा कौन सा है? आपकी सेवा में हूँ सर। इलियाना को अब भूल जाओ। आप भूल गए कि मैं एक वेटर हूँ सर। मतलब मैं ब्रोकर नहीं हूँ। बस फिर खड़े रहो और अंदर चलो। वेलकम वेलकम। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या सर? एक्सक्यूज मी, कोई खोल क्यों नहीं रहा है इसे? ऑन द वे। थोड़ा महंगा है लेकिन कमरा अच्छा है। बाथरूम कहाँ है? बेड टॉवल तकिया कपड़ा टांगने के लिए हैंगर होता है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर ये रूम नहीं है, लिफ्ट है। इंसल्ट इसके लिए रोज की बात है। ऐसे 3 और बेडरूम है सर। माय गॉड, हम किसी भी बेड पर सो सकते हैं। पीपी ये तो कमाल का है। आप बहुत लकी हैं सर, इस रूम में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान
और कितने बड़े बड़े सुपरस्टार ठहरे हैं सर, और अब आप लोग रहेंगे सर वीपी एंड पीपी। चाय दूं सर? कॉफी? ये क्या हो गया? तुमने कहा था इस कमरे में सेलिब्रिटीज रहते हैं, सब लेजेंड्स रहते हैं, और अब वीपी और पीपी रहेंगे इस कमरे में। सेलिब्रिटीज कौन है, लेजेंड्स कौन है, ये वीपी और पीपी कौन है? ये क्या कमरा है? रात से कुछ देखने की कोशिश करो पर ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो गया मेरा। सर ये एसी का रिमोट है, ये है टीवी का रिमोट। थैंक्स। पागल कहीं के, टीवी रिमोट समझकर एसी का टेम्परेचर पूरा बदल दिया। क्या हुआ? हरिप्रिया, पेपर में क्या बात है, क्या लिखा है? हम तो अंगूठा छापे, पढ़ेंगे कैसे? क्या होगा? अब्बा डब्बा जब्बा। ए, तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ। मुझे पढ़ना नहीं आता। दो तो। अभी पढ़ता हूँ। इन द परंदाई हरिप्रिया ग्रुप ऑफ कंपनीज संपूर्ण सामार कड्डी। हिंदी में बोलना। मुझे तमिल लिखना आता है, पढ़ना आता है, ट्रांसलेट करना नहीं आता। अगर टिप दू तो? ओ हो, ट्रांसलेशन भी आता है सर। तो करो ट्रांसलेट। हरिप्रिया ग्रुप ऑफ कंपनीज आज कोडाईकनाल शहर में एक फंक्शन कर रही है, यही मतलब है सर। हरिप्रिया आएगी और हम उसमें जाएंगे। आहा, जल्दी चलो, तैयार हो मैं। टोमेटो सॉस था। करेंगी वो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ओ, इसे कहते हैं कपड़े। मगर अभी भी कुछ तो मिसिंग लग रहा है। हम लोग वैसे शादी और फंक्शन में बहुत सारा गोल्ड वगैरह पहनते हैं ना, वो अगर मिल जाए सुपर। रुक जा। गाल पे मच्छर। वॉच इट, कहाँ चल रहा है वॉच? बंद पड़ा यार। अरे छिछोरे जैसी हरकत मत कर, मेरी तरह क्लास दिखा। देखना अब मैं क्या क्लास दिखाता हूँ। यह तेरा क्लास, आगे चल। और ये तेरा क्लास है, चला गे। क्या चाहिए सर? दो पटियाला चाहिए। पागल कहीं के। 20,000 रुपए लेने के बाद भी हमें हमारी चीज नहीं मिलेगी। ठीक है अमीरों वाला ड्रिंक दे देना हमें। रो क्यों रहे हो? हरिप्रिया की याद आई? तो फिर ये सोच रहे उसे आई लव यू कैसे बोलेगा? तो फिर बताना क्या बात है? मेरे पैरों पे तेरी चेयर। तो फिर तूने चेयर के नीचे पैर डाला ही क्यों? गलत किया ना? ठीक है उठाता हूँ। अब थैंक्स तो बोलना। लेडीज एंड जेंटलमैन, हरिप्रिया ग्रुप ऑफ कंपनी को आज पूरे 25 साल हो गए हैं, सभी खुशी के मौके पर मौजूद हैं। धन्यवाद। अब कंपनी के MD कुछ कहेंगे। प्लीज वेलकम सर, गिव हिम ए बिग हैंड। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। शुरुआत में हमारी कंपनी ने समाज सेवा को बहुत महत्व दिया था, ये आप जानते हैं। एक और खास बात, हमारी मैडम हरिप्रिया अनाथ बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और उनकी मदद करती रहती हैं।
ये खुद भी कई सालों से कई अनाथ आश्रम चला रही हैं। मगर अब ये और ज्यादा लोगों की मदद करने के बारे में सोचकर शाहजहां के वक्त की एक बहुत ही पुरानी और कीमती पेंटिंग लेकर ऑक्शन में आई हैं। इस पेंटिंग से जो पैसे मिलेंगे वो पैसे अनाथ आश्रम के फंड में जमा कर दिए जाएंगे। सो जेंटलमैन, सी द रेयर पीस। ये महंगी इतनी बकवास क्यों होती है? तुझे पहले कभी इतना ललचाया हुआ नहीं देखा रे, ऐसा क्यों कर रहा है? लगता है वो लोग शराब पीकर प्लान बना रहे हैं, मतलब काफी खतरनाक लोग हैं। हर तरफ से उन दोनों पर हमें बहुत ही क्लोज से नजर रखनी होगी। हैं? अगर मैं उन दोनों पर नजर रखूंगी तो भेंगी हो जाऊंगी सर। हरिप्रिया को जब मैंने पहली बार देखा तो लगा कि मैं उसे 400 साल से जानता हूँ। पिछले जन्म में हम उदयगढ़ में रहते थे। हरिप्रिया एक रानी थी और मैं था एक काल भैरव। एक और बात, तुम्हारा जन्म हमें मिलाने के लिए हुआ है। क्या कह रहा है तू? उस जन्म में तुम शेर खान थे। सुपर सब्जेक्ट, बढ़िया एकदम। मैं चिरंजीवी के लिए एक ऐसी कहानी के तलाश में था। अगर इस कहानी पर हम चिरंजीवी और काजल को लेकर फिल्म बनाएंगे तो हिंदी की सबसे बढ़िया फिल्म बनेगी। सुन, ये स्टोरी किसी को मत बताना, खास करके किसी डायरेक्टर को, नहीं तो वो अपने से पहले फिल्म बनाएंगे। ये फिल्म कहानी नहीं है, मेरी लव स्टोरी है। सॉरी। अरे हरिप्रिया। हरिप्रिया का नाम सुनकर मुझे लगा तू मजाक कर रहा है, मगर ये तो वाकई में परी जैसी है। सुपर। अब तो क्या दिवाली या क्रिसमस का वेट कर रहा है? जा ना, जाके उसे बात कर ले पहले, जा। इतनी दूर से हम बात करने आए क्या? वो तो बुरा मान जाएगी। तो अब हम क्या करें? थैंक यू। आहा, आइडिया। तू जाकर हरिप्रिया से बात कर। मैं जाऊं? मेरी खूब तारीफ करना, उसे बता मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, फिर मैं हीरो की तरह एंट्री करूंगा। मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की को फंसाऊं ऐसी गंदी हरकत मैं कभी नहीं करूंगा। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा। जाकर बात कर, बात कर, बात कर। ठीक है, ठीक है, जाता हूँ। शेप कमाल का है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शाहजहां का ये जग। ओह, ऐसा लगता है ये आपकी हॉबीज में से एक है। नहीं नहीं, फिल्म बनाना मेरी हॉबी है। मैं जल्दी चिरंजीवी के साथ फिल्म बनाने वाला हूँ। सब्जेक्ट भी मेरा तैयार है। फिल्म का नाम होगा मेगा धीरा। क्या चिरंजीवी फिर से फिल्म्स करने वाले हैं? थैंक गॉड, मुझे चिरंजीवी बहुत पसंद है। तो मुझे बता सकते हो कि शूटिंग कहाँ होने वाली है? मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर शूट होगी, पहले फिल्म के लिए उसे तैयार तो होने दो। हाँ, मैं यहाँ अपने दोस्त से आपको मिलवाने आया हूँ, मैं तो ये भूल ही गया था। अरे बेटी, अपने फ्रेंड से मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, आई एम हरिप्रिया। मैं हूँ वीपी, वारा प्रसाद मेरा पूरा नाम है। ग्लैड टू मीट यू। गॉड ब्लेस यू। आंटी आप भी बहुत सुंदर हैं। थैंक्स। तुम्हारा ड्रेस बहुत कलरफुल है, ऐसा सज धज कर तो हम लोग शादी वगैरह में जाया करते हैं। तुमने जो नेकलेस पहना ना, बहुत सुपर है। थैंक्स। अंकल से मेरा हाय कहिएगा। अंकल के दोस्तों से भी हाय कहिएगा। वेरी फनी, वेरी फनी। अच्छा ये बताओ कि कल सुबह तुम क्या कर रहे हो? क्या है ना आंटी, सुबह में दो एग्स, दोपहर में दो पेग्स, चिकन खा कर सोता हूँ, इससे हाइट कम होने में मदद मिलती है। वेरी फनी, वेरी फनी। एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे मजाकिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरी बेटी को कहीं बाहर घुमा कर लेकर आओ ना प्लीज। लेकिन माँ, मैं इनके साथ। अरे तू सुन तो सही, अगर तू कहीं बाहर घूम कर आएगी ना तो तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा बेटी। इस बार में तुम क्या कहना चाहते हो बेटा? आंटी वो मेरा दोस्त जो। तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह है क्या? नहीं नहीं। तो फिर कुछ देर के लिए अपने फ्रेंड को भूल जाओ, तुम हरिप्रिया के साथ कहीं घूम कर आ जाओ। ओके। हे भगवान, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। ओके आंटी, बाय। कल 10 बजे आ जाना। ओके आंटी। भूलना मत। मुझे लगा हरिप्रिया को लाएगा, तू तो अकेला है। तू तो बहुत स्मार्ट है रे। हरिप्रिया कल सुबह 10 बजे अपने होटल के बार में तुझसे मिलने आने वाली है। लव यू, लव यू। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या करें क्या करें, रुक रुक रुक, पागल। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये बात तू उससे कहना ना। हां, चल अब पार्टी करते हैं। अरे रे, ये तो शाहजहां के टाइम का था, ये हमारे देश की धरोहर थी, इन लोगों की वजह से आज ये टूट गया। थैंक्स। ये तो बहुत पुराना था, मुझे लगा नया होगा, नया खरीद के देना पड़ेगा। इसे क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम?
मैंने सोचा था कि नीलामी से अनाथ बच्चों के लिए थोड़े से पैसे कमा पाऊंगी, लेकिन मेरा टाइम खराब है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा। इससे तुम्हें कितने पैसों की उम्मीद थी? पता नहीं, पर काफी पैसे आने की उम्मीद थी। ये सारा सोना निकल के क्यों दे रहा है? ये सब 10 लाख से भी ज्यादा होगा, रख लो इसे। मुझे भी अनाथों की मदद करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक अनाथ ही हूं ना। थैंक यू। कल 10 बजे तैयार रहना, हम घूमने चलेंगे। ये क्या किया तूने? सोना उसे क्यों दिया? कल अगर हरिप्रिया बिना मेकअप के आए तो अच्छी नहीं लगेगी। अगर ये सब पहन के आई तो वो माँ लक्ष्मी जैसी दिखेगी। सोच जरा। मैं अकेला क्यों सोचूं? तू भी सोच। मैं क्यों सोचूं? मैं तो वैसे भी कल उसे मिलने वाला हूँ। पूरा प्रोग्राम अचानक से खराब हो गया। अचानक नहीं, ये उन्होंने जानबूझकर किया है। हमने उनका टीवी तोड़ा इसलिए। उन्होंने 400 साल पुरानी मास्टरपीस को तोड़ दिया और हमें एक वार्निंग दी। ये मामूली लोग नहीं हैं। जिस तरह से हम लोग कोबरा सांप को पकड़ते हैं, उतनी ही होशियारी से उन्हें पकड़ना होगा। क्या सांप पकड़ने वाले को बुला के लाऊं बॉस? गुड आइडिया। वैसे आइडिया बुरा नहीं है ना सर? जेल लगाना ही पड़ेगा। जेल खत्म हो गया क्या? वो जेल था, मैंने जैम समझकर उसे ब्रेड पर लगाकर खा लिया। छी, मुझसे भी बड़ा गधा है तू, कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं। तू सर पे शहद क्यों लगा रहा है अब? अगर किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जेल नहीं है तो शहद से काम चलाना पड़ेगा। आई लव यू हरिप्रिया। आई लव यू हरिप्रिया। यस, अगर मैं उसे ऐसे कहूंगा तो उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। हरिप्रिया और तुझे एक साथ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे गले के कुत्ते के बगल में तोता बैठा हो। हरिप्रिया को ऐसा वैसा मत बोलना, मैं तुझे मार डालूंगा। तू हरिप्रिया के बारे में जानता ही क्या है? वो मेरी जान है। खून निकल रहा है। इस खून में देख हरिप्रिया मुझसे कितना प्यार करती है। मगर ये खून मेरा है। खून चाहे किसी का भी हो, हरिप्रिया मेरी है। ए बीबी, हरिप्रिया के लिए मैं अपना गला 100 बार काट सकता हूँ, 100 जाने भी ले सकता हूँ। वो इस दुनिया में मेरे लिए आई है और मैं उसके लिए आया हूँ। हमारे बीच में कोई आया तो मैं उसका गला काट दूंगा, हाथ भी काट डालूंगा, पैर भी काट डालूंगा। ए, टॉप एंगल लगा, हरिप्रिया मेरी है। लोअर एंगल लगा, हरिप्रिया मेरी है। दूसरा एंगल लगा तू, हरिप्रिया सिर्फ मेरी है। देख तू प्यार में पागल हो गया है। कंट्रोल कंट्रोल। ओके ओके, पॉइंट पर आते हैं। मैं बाद में वेट करूंगा, हरिप्रिया आएगी ना? हरिप्रिया ने मुझसे वादा किया था कि वो ठीक 10 बजे हमारे होटल के बार में आ जाएगी। एक बात बता, तूने लाल कपड़े क्यों पहने? बेटा हर किसी के पास तेरे जैसे पर्सनालिटी नहीं होती जिससे हरिप्रिया जैसी लड़की इंप्रेस हो जाए। मैं अब अपने स्टेटस की कोई लड़की ढूंढता हूँ, ठीक है? तू बच्चों को किडनैप करने वाला लगता है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे एक फोटो दूंगा, उसका मास्क बनाकर पहन ले, कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाएगी। ओके, मैं बाद में आकर तेरा फोटो ले लेता हूं। ठीक है दोस्त। कहां गई? हाय, कैसे हो तुम? ओह हाय, मेरा ड्रेस कैसा है? आप तो फनी है ही, आपकी ड्रेस भी फनी है। सेम टू यू। तुमने कुछ ऑर्डर किया कि नहीं? मैं आपका वेट कर रही थी। अगर मैं पहले आ गया होता तो अब तक 2 इडली सांभर 2 वड़ा सांभर आराम से चट कर चुका होता, पतली चटली के साथ, वो भी 2 वाटी। पता है, तुम्हारी वजह से अब मैं खुश रहने लगी हूँ। इससे पहले तक तो मेरी फैमिली में बहुत टेंशन थी। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार खुलकर हंसी कब थी। मेरी कहानी सुनकर तुम बोर तो नहीं हो रहे हो ना? उफ़, थैंक्स। मुझे लगा आज तुम वाकई अपनी बकवास कहानी सुनाकर मुझे बोर करने वाली हो। What? अच्छा, हम कहीं और चले? नो, हमारे परिवार में से आज तक कोई भी किसी भी होटल में बिना खाए नहीं गया। वेटर, 2 इडली सांभर 2 वड़ा सांभर चटनी के साथ में, तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ एक कॉफी। मैडम के लिए कॉफी।
बालू, सन ऑफ कालू। गुड मॉर्निंग सर। अभी तक कोई आया नहीं? इतनी जल्दी? अभी तो 2 घंटे और बाकी हैं। आप जल्दी आ गए हैं। ओह, मुझे यहाँ किसी से मिलना है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? टिप देंगे। आहा, सुबह सुबह बोहनी हो गई। ये बिना तार के कैसे बजा रहा है? बहुत खुश लग रही हो, शायद तुम्हें प्यार हो गया है। ऐसा नहीं है, पर बचपन में मुझे प्यार हुआ था। मतलब हरिप्रिया अब तक पीपी को नहीं भूली है, मुझे उसे हटाकर खुद की एंट्री करनी पड़ेगी। हरिप्रिया, क्या तुम जानती हो वो अब कहाँ पर है? पता नहीं। मैं जानता हूँ मगर तुम नहीं, और यही मेरा प्लान सक्सेस है। टाइम क्या हो रहा है? 10 बज रहे हैं ना सर? 3 घंटे पहले का टाइम था, टाइम देखिए 1 बज गए हैं सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है, टाइम तेजी से भाग रहा है। प्यार में ये डेटिंग वेटिंग तो कॉमन है सर। 1 मिनट रुकिए सर। आएगी आएगी, लेकिन ये मक्खी क्यों आ गई सर? इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिए सर। तुमसे बात कर सकती हूँ? आज का दिन ही बेकार है। तुम्हारा भी दिन बेकार है क्या? वो बात ये है कि मैंने सिद्धू का घर ही छोड़ दिया। पता है क्यों? उसने कहा कि फ्री रहूंगा तो बात करूंगा, पर वो बात ही नहीं करता अब। पहले तो वो मुझे कॉल भी करता था, बात ही करता था, अब वो मुझे कॉल करके डांटता है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि सिद्धू ने मुझे डांटा। सिद्धू तो पहले भी मुझे डांटता था, लेकिन उसमें उसका प्यार था, लेकिन अब वो प्यार खत्म हो गया। पहले जब मैं घर में अकेले रहती थी तो अकेलापन महसूस नहीं करती थी, मगर अब सिद्धू के घर में बहुत से लोग होते हुए भी मैं अकेलापन महसूस करती हूँ। अरे ये बकवास मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि मैं इस तरह जिंदगी भर बिल्कुल भी जी नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी भर मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं वहाँ से आ गई। मैं एक मेहमान बन के गई थी और वैसे ही आ गई। एक मिनट। हाँ देखो बेटा, तुम कर सकते हो, कम ऑन, गेंद पर ध्यान केंद्रित करो। मैं देख नहीं सकता। तो क्या हुआ, दिल छोटा मत करो, गेंद से निकलने वाली आवाज को सुनो, ध्यान से सुनो। चलो गेंद को जोर से मारो। हा? मारो गेंद। हाँ। को, गलत गेंद को मार दिया। मुझे भी खेलना है। अरे उधर, अरे पकड़ जेल को मारने के लिए कहा था, पागल लड़का। अंकल हटो, हटो, हटो। क्या सिद्धू ने ही सब कुछ किया है? हाँ सिद्धू ने ही किया है सब कुछ, तुम समझ रहे हो ना? सिद्धू ने मेरी छोटी छोटी खुशियाँ छीन ली। ये ड्रेस सिद्धू ने ही सिलेक्ट किया है, कहता था सुपर्ब है। अब मेरा मन करता है इसे फाड़ दूं और चिल्ला के कहूं ये ड्रेस मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। उससे कहता यहाँ बैठो, हम दोनों कैरम खेलते हैं। मैं उसके साथ कैरम खेलती हूँ। सिद्धू चाहता है कि मैं जीतूं और कहता है सफेद लो, काला लो, ये क्वीन भी तुम ही ले लो। सिद्धू मेरा हाथ पकड़ के मेरी जगह खेलने लगता है, मैं भला क्या खेलूं। और आखिर में सिद्धू ने मुझे ये बियर पीना भी सिखा दिया, मगर मैं नहीं पी सकती ना, क्योंकि मुझे हैंगओवर भी नहीं होता।
24 साल तक सिद्धू ने अपना हाथ प्रकाश राज को दिया, अब वो चाहता है कि मैं भी उन्हें अपना हाथ दे दूं। बस इसी वजह से मैं उसे छोड़ के चली आई। लैला मजनू, सलीम अनारकली, देवदास पारो, मैंने सारी कहानियों के बारे में सुना, मगर वो अलग क्यों हुए वो कभी नहीं समझ पाया। मगर सिद्धू से तुम क्यों अलग हुई बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया। कीप इट अप। थैंक यू, थैंक यू। मुझे कुछ समझाओ, हरिप्रिया को जानते हो क्या? हरिप्रिया को जानता हूँ सर, वो कह रही थी उस नाके पर जो बिल्डिंग है वो हरिप्रिया की ही है सर। थैंक यू, ये ले रख ले। थैंक यू सर, आप सच में सर टीपू सुल्तान है। इस तरह टकराओगे तो मुझे सिंह निकल आएगा। सिंह निकलेगा? हाँ, एक बार और टकराओ फिर जाओ। मगर उससे दर्द होगा ना तुम्हें। नहीं, टकराओगे तो सिंह निकल आएगा। सच में? सच में, सच में। टकराओ ना। अब सिंह नहीं निकलेंगे। आज आपके साथ मुझे बहुत मजा आया, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। अच्छा, रात को एक पार्टी है, आप मुझे पिक कर लेंगे 7:45 पर आकर? 7:45 क्यों, 7:30 को ही पिक कर लूंगा। बस करो, मैं तो हंस हंस के थक गई। अरे प्रिया से नहीं मिला तू? अगर मिलने की बात होती तो वो आती। सच में वो नहीं आई? क्या पागल है क्या तू? गलती से बाहर की जगह कहीं और चला गया होगा। तो सही जगह गया था, मुझे लगता है उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। जरूर किसी गधे ने उसे भड़काया होगा। छी, इसलिए मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ। बिल्कुल कपड़ों की तरह अपने फैसले बदल दिए हैं लड़कियाँ। वो प्रेमी ऐसे बदल दिए जैसे टीवी पर चैनल। 30 दिन में अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, उस किताब में सिर्फ एक ही शब्द से मुझे नफरत है, लेडीज लेडीज लेडीज। मगर हरिप्रिया ऐसी लड़की नहीं है, उसने कहा कि वो तुझसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, वो तेरे साथ गाड़ी में बाहर घूमना चाहती है। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि हरिप्रिया ने सुबह के 8 बजे नहीं बल्कि रात के 8 बजे कहा होगा। सोच ले जरा। क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है? और नहीं तो क्या, सुबह के 8 बजे बार में सिर्फ बेवड़े पड़े रहते हैं, समझा क्या? मैं भी यही सोच रहा था, वो सुबह 8 बजे थोड़ी पहुंच जाएगी। थैंक्स यार, हरिप्रिया को लेकर गलत फहमी थी, तूने सब दूर कर दी। अभी तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 8 बजे तुझे हीरो बनकर पहुँचना है। कम ऑन, गो एंड एंजॉय विद हरिप्रिया। मैं चला जाऊंगा तो अकेला रह जाएगा। वैसे मैं भी 7:30 को बाहर जा रहा हूँ। तेरी प्लानिंग बहुत सही है। अरे सुबह तूने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, अब हरिप्रिया को बोल देना कि तू उससे प्यार करता है। कह रहा था कि मुझे अपना फोटो देगा और मैं उसका मास्क बनाऊंगा। गधा कहेगा। तू हरिप्रिया के साथ पार्टी करेगा, देखता हूँ कैसे करता है। मैं आई कम इन सर। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, कम इन। लीजिए सर, फ्रेश जूस है। हरी सब्जियां भी है, लेंगे सर? फ्रेश जूस तू पी ले। नहीं पी सकता सर, ये आपके लिए है सर। अगर टिप दूं तो? पी सकता हूँ सर। सर यहाँ फ्रेश फल पड़े हुए, आप तो आपने मुझे कचरे के डिब्बे से इतने सारे सड़े हुए टमाटर ककड़ी सेब क्यों लाने को कहा सर? मैं इनसे वीपी के लिए एनर्जी ड्रिंक बना रहा हूँ। सर मैं आप लोगों के लिए इतना काम करता हूँ, मुझे भी एनर्जी चाहिए सर, मुझे भी एक ग्लास एनर्जी ड्रिंक दीजिए सर। मैंने दूंगा। टिप दूं तो? ठीक है। रोटेन जूस इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। वीपी जाने से पहले जूस पी लेना वरना कमजोर हो जाएगा। अरे तू जहर भी देगा ना तो भी पी लूंगा, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड जो ठहरा। अच्छा, धोखेबाज।
30 दिन से आपका पेट खराब है और साफ नहीं हो रहा है, तो ये जूस पी लीजिए। आपको हर मिनट बाथरूम जाना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको शांति ना मिले तो जमाल घोटे की 4 चम्मच पी लीजिए, आपके पेट में भूचाल आ जाएगा। आपकी आधी जिंदगी बाथरूम में गुजरेगी और बाकी आधी जिंदगी जीने के लिए आप जिंदा नहीं बचेंगे। उम्मीद है मुझे कामयाबी मिले। ये ले जूस पी। थैंक्स, चीयर्स। बहुत ही टेस्टी है रे ये है? ये भी देना। थैंक यू। थैंक यू। तुझे सबक सिखाने का बस यही एक रास्ता था। मैं हर चीज में समझौता कर सकता हूँ, मगर हरिप्रिया मेरी है मेरी। क्या आपने एटम बम फटने की आवाज कभी सुनी है? जस्ट वेट एंड सी। दरवाजा खुला है। हाय। हाय। मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, इसे अपना ही घर समझो, ओके? अगर तुम मुझे ऐसे छूट दोगी तो मैं घर में धमाल मचा दूंगा। हाँ। प्रसाद, प्रसाद, तुम अंदर हो क्या? हाँ, पर अंदर मत आना तुम। तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या बात है? टॉयलेट रिपेयर होने वाला है, अंदर पानी नहीं है। वैसे तुम अंदर कर क्या रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो शेव कर रहा हूँ। शेव? शेविंग? आज जल्दी मैं शेव करना भूल गया था ना, इसीलिए शेव कर रहा हूँ अभी यहाँ। ठीक है ठीक है, जल्दी रेडी हो जाओ। ये मुझसे पंगा लेगा। ये 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 ये। हाय। हाय, किससे मिलना है आपको? मुझे नहीं पहचाना? 2 दिन पहले मैंने तुम्हें मुंबई में कला मंदिर में छोड़ा था। ओह माय गॉड, तुम तो पप्पू प्रसाद हो ना? मेरा नाम याद है। हे, तुम कोड़े कनाल में क्या कर रहे हो? कला मंदिर में तुम सूटकेस भूल गई थी, वो लौटाने आया हूँ। वो सूटकेस तुम्हारे पास है? सूटकेस तो होटल में रखा है, तुम आकर उसे ले सकती हो। तुम किसी के साथ बाहर जाने वाली थी ना? ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं 1 मिनट में वापस आ रही हूँ, यहीं रुकना ओके? प्रसाद, देर हो रही है, क्या कर रहे हो तुम? मेडिटेशन कर रहा हूँ, जोर जोर से सांस ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, हम बाद में मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन हो गया मेरा, मैं बस आ रहा हूँ, प्लीज। नहीं प्रसाद, इट्स वेरी अर्जेंट, मुझे जाना ही होगा। घर में खाना बना हुआ है और जूस भी रखा हुआ है, मैं जा रही हूँ। ओके ओके बाय। जूस? आओ। ये रहा सूटकेस। ये सूटकेस तुम्हारे पास है? थैंक यू सो मच। ये पिछले 1 हफ्ते से मेरे पास है, जो भी मेरी गाड़ी में अपना लगेज भूल जाता है मैं उसे लौटा देता हूँ।
मेरे लिए 2000 किलोमीटर दूर तक आ गए, मुझे यकीन नहीं होता। मेरे पास वहाँ कोई खास काम नहीं था, और मैं जानता हूँ कि किसी खास चीज के खो जाने पर कैसा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। You really great, प्रसाद। मैंने तुम्हारे जैसा आदमी पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच प्रसाद। हरिप्रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या हम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं? इसका कोई चांस नहीं है। 100 में से 1% चांस? नहीं, 0.1% चांस भी नहीं है। मतलब 99% चांस तो है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को एक चुटकी बजाकर इंप्रेस कर सकता हूँ। मैं हूँ ही ऐसा। क्या हुआ, बाथरूम साफ करना है? अभी नहीं, बाद में, जरूरी मीटिंग चल रही है। मैनेजर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके होने वाले के बारे में कुछ सुना है। अरे भाई, होने वाला तो मैं हूँ। लगता है तुम तक मैसेज जल्दी पहुँच गया है। 4G के बदले 5G यूज करते हो? मैं कह रहा हूँ, इनके होने वाले पति के बारे में पता है मुझे। क्या कहा? हरिप्रिया की शादी तय हो गई है? मतलब अब तक जो भी बातें की वो सब बेकार थी, बकवास था। ए, पहले तुम अंदर जाओ, नहीं तो पहले बंदूक पकड़ना सीख लो। जाओ। हाँ चलो। हे प्रसाद। हंसिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहा था ना कि हम कभी बैठ के कॉफी पी सकते हैं, क्या इसलिए चली आई? क्या प्लास्टिक की बंदूक लेके घूम रहे हो? ए, ये प्लास्टिक गन नहीं, ओरिजिनल गन है, 1948 चाइनीज मॉडल। अगर गोली मारी तो किडनी बाहर आ जाएगी। मुझे जोक पसंद नहीं है, रखो अपनी जेब में। शट अप। मैनेजर, क्या तुम मेरे होने वाले पति को पैसों के लिए किडनैप करोगे? तुम मेरे परिवार को ऐसे धोखा दोगे? हाँ, जब कोई भरोसा करता है तो धोखा देना आसान होता है। बहुत कॉमेडी कर रहे थे, मैं सूटकेस के लिए झेल रहा था। जल्दी बताओ कहाँ रखे हो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं प्लीज, इसे कुछ मत करो, इसे सूटकेस दे दो प्रसाद। पहले तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी इसे सूटकेस दूंगा, वरना सूटकेस नहीं मिलेगा। सूटकेस। अच्छा सुनो, हम दोनों एक डील करते हैं। अगर तुम्हें सूटकेस चाहिए तो हरिप्रिया के होने वाले पति को अपने पास रखना होगा। अगर शर्त मंजूर है तो सूटकेस ही क्या, मेरा लगेज भी तुम्हें दे दूंगा। चॉइस इज योर्स। ये मेरे सामने शर्त कैसे रख रहा है? मैं विलन नहीं लगता, डरता क्यों नहीं? कॉमेडी सिनेमा में विलन से कोई नहीं डरता है सर। मुझे सूटकेस लेना अच्छे से आता है, बंद कर दो कमरे में। तुम्हें मैंने किसी आश्रम में देखा है, तुम्हारा नाम क्या है बहन? आपने मुझे बहन कहा? प्यारी बहना। इस वैलेंटाइंस डे पर आपको राखी बांधूंगी भैया। वैलेंटाइंस डे पर राखी बांधेगी? ये क्या निकल रहा है? ले 1000 रख ले, पता नहीं उस वक्त मेरे पास होंगे या नहीं। ए, क्या सेंटिमेंट है? इन्होंने जब मुझे बहन कहा तब थोड़ी इमोशनल हो गई सर। सॉरी बॉस, लेट्स मूव। हे पिपी, तेरे और मेरे बीच में आज बहुत सारे फैसले होने, हमें हरिप्रिया के बारे में बात करनी है। ओ, अच्छा, तो मैं समझ गया, ऑलरेडी सारी बातें हो चुकी है, तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है? हैंड्स अप। ए जा रे, आज मूड नहीं है। मूड नहीं है? ओए, तुझे डर नहीं लगता? नहीं लगता। देखिए सर, हमें लड़कियों की बात का सम्मान करना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे ना, तो काम होने के बाद मैं बुलाऊंगा। ए, अगर मुंह खोला तो मुंह में गोली मार दूंगा, समझा? झिंगुर कहीं के, जा भाग यहाँ से। हेलो, 2 मिनट में सारा कैश हमारे पास होगा। बैंकॉक के लिए 2 टिकट बुक करना। 3 टिकट बुक करना? मैं भी आ जाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्यों रह जाऊं? 2 टिकट मेरे लिए भी, ये बैंकॉक जा रहा है, मैं हांगकांग जाऊंगा, चलोगी ना? अगर आप फॉरेन चले जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगी? किसी बिना हाथ के आदमी को देखो और उसकी पीठ पर खुजली करते रहो। ए, सूटकेस कहाँ पर है देखो, कम ऑन क्विक। तुम तीनों एक दूसरे को जानते हो क्या? पहले हम दोनों दोस्त थे, अब दोनों दुश्मन है। जानती हो क्यों? क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है। ये जानता था कि अंजलि मेरी दोस्त है, फिर भी इसने उसे कॉल करके कहा कि बीपी और मैं दोस्त हैं और हम दोनों तुम्हें भी शेयर करेंगे। मैंने? और नहीं तो क्या, मैंने अंजलि ने सब कुछ बताया मुझे, फिर भी उसने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छा है। तू हरिप्रिया को अलग करेगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मुझसे जलता है, गद्दार। तू गद्दार है, दोस्ती से गद्दारी की, दोस्त से गद्दारी की। इसके नीचे सूटकेस, नो चांस, आई एम जीनियस।
वो इस तरफ गए, मैं उधर जाता हूँ। मुझे गर्व है कि हम हरिप्रिया जैसी खूबसूरत लड़की की वजह से अलग हो रहे हैं। खुशी है कि तेरे जैसे फालतू आदमी से मुझे छुटकारा मिल रहा है। बचपन से मुझे इस बात का दुख था कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मगर अब ऐसा नहीं होगा, तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चल एग्रीमेंट बनाते हैं हिम्मत। हाँ, उस पर साइन भी ले ले, बता क्या करना है। हाँ, तू भी यहाँ पर क्या? रुक जा। मुझे पता है कि तुम लोग नहीं बताओगे कि सूटकेस कहाँ है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सिक्स पैक। सुनो, इन सबको पनीर के जैसा फाड़ दो। सर, पनीर का नाम सुनकर मुझे भूख लग गई। दो दिन से किसी ने पनीर नहीं मंगाया है सर। सर, प्रोड्यूसर हर्षा रेड्डी से कहकर सबके लिए एक किलो पनीर मंगवा दीजिए सर। प्रोडक्शन, पनीर आ गया, पनीर आ गया। सर, मेरा सिक्स पैक का बैच मिल नहीं रहा। इनको तुमने मेरे पास रखा है ना, जाओ यहाँ से जाओ। खाओ खाओ, खाया? खा लिया? फाइट कब लड़ोगे? थोड़ा सोच समझ कर बोलिए ना सर, खाना खाने के बाद तुरंत फाइट कौन कर पाएगा, थोड़ा आराम करने दीजिए। ए, एफएम चालू कर। तेरे पास ये भी फैसिलिटी है? जाओ उन्हें मार कर उनसे सच उगलवाओ। वाओ, सिक्स पैक्स! तुम लोगों ने तो पेट भर खा लिया है, तुम्हारे तो सिक्स पैक्स भी है। हम थोड़े कमजोर हैं, अगर तुम्हारी परमिशन मिल जाए तो हम दोनों जाकर जूस पी लें। जूस वहाँ पर है। मैं पीऊंगा। जाओ और भूख तो। हम लोग सब चलते हैं। सर, आप भी थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, आप भी जाकर थोड़ा जूस पी लीजिए ना प्लीज। तुम्हें लगता है उनकी तरह मैं भी बेवकूफ हूँ? शट अप। ए, इससे पहले कि मैं तेरा तक गिनूं, मुझे बता दो सूटकेस कहाँ है, वरना मैं सच में गोली मार दूंगा। ए, तुम तेरा गिनो या तेरा का पहाड़ा पड़ो, हम नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा दुश्मन जो ठहरा, मैं बताऊंगा। मत बताना, मत बता, 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 मत बता यार, तू क्या कर? सूटकेस इस गद्दे के नीचे है। सच में? क्या? ये सब बिल क्या है? अरे पैसा कहाँ है? क्या होगा, बैंक में डालते हैं तो डबल होता है, हमने खर्च किया तो खत्म हो गया। पूरा पैसा? कौन बनेगा करोड़पति जैसे, सवाल मत पूछो। अच्छा सुनो, ऑप्शन ए मेरा दिमाग खराब होता है, ऑप्शन बी मुझे गुस्सा आता है। हमें पढ़ना नहीं आता, लेकिन हमें हर चीज का बिल दिखाना अच्छा लगता है, समझे? ओह शिट, इसलिए हमने जो भी खर्च किया उसके बिल रखे हैं। हमारी बात गलत हो सकती है, लेकिन बिल नहीं, देख लो ना। ओ गॉड, सर आप पैसों को लेकर क्यों दुखी हो रहे हैं, आज नहीं तो कल कमा लेंगे। लॉटरी की टिकट तो है ना, अगर लग गई तो करोड़ों कमाएंगे। लॉटरी टिकट ना लायक लोग, ये तुम लोगों ने 5 दिन में 2 करोड़ कैसे खर्च किए? हमने 2 गाड़ी खरीदी, हमने 40 लाख के गहने खरीदे। चलो सोना दो, दो ना। एक मिनट, ये क्या है? पैसे खत्म हो गए थे इसलिए सोना गिरवी रख दिया है, ये है उसकी रसीद, वो वापस लाकर हमारी इज्जत बचा लो। और बाकी सोना हरिप्रिया को दे दिया, पूछ लो इसे। शिट, ए, अब मैं सब नहीं सह सकता। बताओ पहले कौन मरना चाहेगा? इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे गोली मारो। नहीं, पहले मुझे मारो। नहीं, मुझे गोली मारो। पहले मुझे मारो। नहीं, मुझे मारो। नहीं, पहले मुझे मारो। पहले मुझे मारो, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आज मैं हरिप्रिया के साथ बाहर गया था और मैंने उसके पैर को हाथ लगाया। इसने हरिप्रिया के पैर को हाथ लगाया? मार दे इसको गोली। रदरफोर्ड, मार दे गोली, मार।
मेरे दोस्त को गोली मारी। अगर तुझे मार दूं तो और भी मजा आएगा। विपी तू ठीक है ना? देखा कैसे गोलियां छोड़ रहा है? ए, पर मैं बहुत लकी हूँ, अब देख उसे कैसे मारता हूँ। हैंड्स अप। हैंड्स अप। रे, तू इसको जानता है? ठीक है। जेनेलिया डिसूजा फ्रॉम गोवा सीबीआई। बम्बरिलो भास्कर फ्रॉम चेन्नई क्राइम ब्रांच। और दिल राजू नहीं आया? दिल राजू का नाम ले रहा है मगर मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं एमएस राजू को कॉल कर सकता हूँ? कोई राजू तुझे नहीं बचा सकता। कम ऑन मूव। गोली लगने के बाद भी तुझे कुछ नहीं हुआ? जेनेलिया ने गोली मारने के लिए गन दी थी और बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट। ओहो, अगर गोली सिर पे या पीछे मारते तो? जेनेलिया, अगर वाकई में ऐसा होता तो? तुम इतना भी रिस्क नहीं ले सकते क्या? मनोहर। लेखा गोली। प्रसाद, प्रसाद सुनो ना प्रसाद। ये है मनोहर, मेरे दोस्त और मेरे मंगेतर, और तुम यहाँ इन्हीं की वजह से सुरक्षित खड़े हो। हेलो। मनोहर प्रसाद प्लीज। वन सेकेंड सर। ओके ओके। मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूल सकती। तुम लोग कहीं भी रहो मुझे कॉल करना मत भूलना। ओके बाय। सिर्फ मुझे पता है कि तू हरिप्रिया से कितना प्यार करता था। ये सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। जा कम से कम अब तो हरिप्रिया को अपने प्यार के बारे में बता दे। सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ। वो नहीं जानती कि तू कौन है इसलिए वो उससे शादी कर रही है। उसे पता चलेगा कि तू उसका बचपन का दोस्त है तो वो तुझसे शादी करेगी। जा अब। हरिप्रिया। हरिप्रिया तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। जन्म जन्म की दोस्ती यहाँ कोई तोड़ नहीं पाएगा, फिर हम चाहे जाए जहाँ। होते हैं दोस्त जहाँ हमेशा खुशी और प्यार है वहाँ, आज से हम हैं दोस्त। दोस्त, दोस्त। सुपर, ये तो बहुत अच्छा है प्रसाद। कहाँ से सीखा ये तुमने? चलो हरिप्रिया। हाँ आ रही हूँ, रुको। ओके, तुम दोनों को मेरी शादी पर जरूर आना होगा। ओके चलो बाय। हरिप्रिया तुम्हें भूल गई है दोस्त। अरे प्रिया, दीदी getting bored. I'm also. मैं तुम दोनों को एक गेम सिखाऊं? तो फिर सिखाओ ना दीदी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, होते हैं दोस्त जहां, खुशियां होती है वहां। अरे प्रिया, आज से हम हैं दोस्त। दोस्त, दोस्त। मैंने कहा था ना कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। जा जाकर बात कर। मैडम चले। चलो चलते हैं। जाना। अरे ये क्या, वो तो जा रही है। हरिप्रिया, हरिप्रिया।
अरे हरिप्रिया, हरिप्रिया, हरिप्रिया रुको रुको, हरिप्रिया रुको, हरिप्रिया रुको, हरिप्रिया, 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 नंबर लिख ले। लॉटरी का टिकट है, कुछ तो काम आएगा। टिकट की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी का नंबर नहीं जाना चाहिए। अब हमें क्या करना है भाई? इस नंबर का एड्रेस निकाल के कैसे भी मुझे उसे अपने दिल की बात कहनी होगी। मतलब तू मुझे फिर से अपना ड्राइवर बनाएगा? नहीं रे। तो फिर इस बार तू मेरा क्लीनर बनेगा। अच्छा वो बता दिया मुझे। तू पीपी के बारे में क्या सोचता है? तुझे पता है ना मैं दोस्ती की कितनी इज्जत? दोस्ती? बहुत पहले तूने कहा था कि तू मुझे एक फोटो देगा और मैं उसका मास्क बनाकर पहनूंगा। अब तक नहीं दिया मुझे, कम से कम हरिप्रिया से मिलने के बाद तो दे देना। शायद उसी शहर में कोई लड़की मिल जाए तो मैं उसे पटा लूंगा।